नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में वित्त विभाग एवं हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विधायकों के साथ आयोजित 3 दिवसीय बजट पूर्व विचार विमर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी विधायकों से सीधा सवाल विचार विमर्श कर बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करने की पहल की गई है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में भी जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 20 फरवरी 2020 से औपचारिक रूप से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हो जाएगा और आज की बैठक में आए सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर प्री बजट बैठक में विधायकों ने भाग लिया, जो एक अच्छी शुरुआत है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। जैसे पहले से व्यवस्था सब बनाई गई थी, उसी अनुसार आज दिन भर की गतिविधि हमारी जो प्री बजट कंसल्टेशन ऑफ ऑल द MLAs, सभी विधायकों ने परस्पर मंत्रणा की। पहला जो सत्र था उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इस नाते से सुझाव आए। 33 लोगों ने सुझाव पहले सेशन में दिए थे। और दूसरा जो सेशन था उसमें एजुकेशन, खास करके सभी प्रकार की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। ये सेशन हमारा सबने मिलकर के जनता की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम बजट बनाना चाहते हैं। एक प्रकार का ये जनता का बजट होगा, तो जनता के बजट को हम राजनीतिक हमारे जो भले वैचारिक भेद होंगे, मतभेद होंगे, उनसे ऊपर उठ करके, और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि सभी विधायकों ने अपने अपने उस बात को ध्यान रखा है कि अपनी राजनीतिक जो एफिलिएशंस हैं उससे ऊपर उठ करके सुझाव दिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, सबके अच्छे सुझाव आए हैं। कि 3 दिन के इस कंसल्टेशन के इस कार्यक्रम के बाद 19 तारीख के बाद हमारे पास पर्याप्त समय होगा जिसमें बजट तैयार किया जा सकता है।